नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से। हमारा आज के इस साइंस का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस एक्सक्रीशन। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगर हम आज सिर्फ एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीशन क्या होता है और कितने टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ये सब सवाल हम पूछेंगे अपने आज के मेहमान से। अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी सवाल है इस आज के हमारे विषय से जुड़े हुए तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर है 8800440559। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class10@cit.nic.in। और आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्कार सर। हैं फॉर्मर वाइस चांसलर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को थोड़ी देर में शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस एक्सक्रीशन पर उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनाना चाहेंगे जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और इसी अनाउंसमेंट के साथ चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल हम सर से यही जानना चाहेंगे कि सर एक्सक्रीशन को हमारे दर्शकों तक डेफिनेशन पहुंचाइएगा कि लेमैन्स लैंग्वेज में, एक आम भाषा में, एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। थैंक यू तन्वी जी। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ आज के इस सेशन के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। देखिए जब हमारे कंसेप्ट एंड फंडामेंटल क्लियर होते हैं ना तो आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे आपने पूछा एक्सक्रीशन क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन इतना कह देने से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और इसके अलावा और कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। कोई पूछे हमसे कि अलाइव क्या है, लाइव क्या है, so what are life processes? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particularly, even when we are just sitting in a class। aap class mein baithe hain, class mein ghar par jaake relax kar rahe hain, chal rahe hain, us dauran mein hamare bahut sare life processes chalte rehte hain। jaise ki ye screen par aap dekhen, hamare pura sharir jo hai cells ka bana hota hai। just see, I have brought you nice visualizations that every moment our cells are performing lot of functions। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ trillions factories अपने शरीर में चलती रहती हैं। आप देखिए all the molecular actions are going on। ये protein synthesis चल रहा है, protein बना, नया protein बना, next गया, इसकी processing हुई, ये सब कुछ चलते रहते हैं even when we are sleeping or working। देखिए आप कई बार class के अंदर खड़े होते हैं, काम करते रहते हैं और कभी कभी रिलैक्स भी करते हैं, लेकिन आपके ये लाइव प्रोसेसेस चलते रहते हैं। सो इसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं कि इफ दीज प्रोसेसेस आर देयर, लाइव प्रोसेस हमारे शरीर में चल रहे हैं, देन वी आर अलाइव। यदि नहीं चल रहे हैं तो वी आर नॉट अलाइव। तो कौन कौन से लाइव प्रोसेसेस होते हैं आगे जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे। देखिए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कवर करता है, मस्कुलेचर है हमारे चलने में मदद करती है, स्केलेटल दिखा रखा है जो हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, नर्वस सिस्टम, आज बात कर रहे हैं हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारी नर्व्स जो है हमारे कम्युनिकेट कर रही है, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाटएवर वी हैव ईटन is reaching to every part of the cell through the circulatory system। similarly lymphatic system that provides us defense, hame defense provide karta hai, respiratory system, digestive system, aur aaj iske bare mein aaj baat karenge urinary system aur excretory system,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे कि हमारी प्रोजेनी आगे चलती रहती है। सो ये सारे जितने भी मैंने सिस्टम दिखाए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे अभी मैंने खाना खाया या आपने खाना खाया, उसके बाद में उसका डाइजेशन हुआ। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ लाइफ प्रोसेस। डाइजेशन होने के बाद में इसको विभिन्न हिस्सों में शरीर के पहुंचाना होता है, दैट इज थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में हमें ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और प्रोजेनी को आगे बढ़ाना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन जो एक सिस्टम जिसके बारे में आज अपन चर्चा डिटेल में करेंगे, हाउ डज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब आप पूछेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते क्यों हैं? देखिए, जब आप खाना खाते हैं, मैंने खाना खाया, तो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, और इन प्रोसेसेस के अंदर कई बार नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे अमोनिया बनती है, यूरिया बनती है, यूरिक एसिड बनती है, इनको रिमूव करना जरूरी होता है। यदि इनकी मात्रा शरीर में थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है, तो हमारा शरीर जो है मेल फंक्शन, मतलब बहुत खराब कार्य करना शुरू कर देता है। कई बार बहुत ज्यादा यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत परेशानी हो जाती है, बुखार आ जाता है, और डॉक्टर तुरंत कहता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट शुड गो अवे, दे शुड नॉट स्टे। लेकिन ये दो तरीके से होते हैं। पहले तो कैसे बनते हैं, है ना, प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ये लीवर में बनते हैं, और इनको रिमूव किया जाता है किडनीज के द्वारा। तो बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द लीवर, एंड इट्स रिमूवल इज इन द किडनीज। ये बेसिक फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लीवर में क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके एंजाइम लीवर में। देखिए, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ये मिलके यूरिया बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीवर में होता है। हमारे जितने भी प्रोसेसेस, बहुत सारे, लीवर इज अ मेजर मशीनरी, सिंथेटिक मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी इन द सेल। यहाँ पर जैसे यूरिया बना, इसको निकालना जरूरी है, तो इसको निकालेंगे किडनीज के द्वारा। लेकिन किडनीज के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, हमारे दो किडनी पाई जाती है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो भी बहकर नहीं जाए। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स हैं, इनका रीअब्सॉर्प्शन होता है, नेचर ने बहुत बढ़िया सिस्टम बना के दे रखा है। अमोनिया और इसका एक प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, मैं भी इसके बारे में बताऊंगा, और जिसकी सहायता से ये यूरिया बन गई, है ना। अमोनिया थ्रू दिस साइकिल, ये दिखा रखा है ना तीर, इसकी सहायता से यूरिया बन गया। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑर्निथिन, कार्बोमिल फॉस्फेट, सिट्रुलिन, एस्परेट, आर्जिनिन, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, आर्जिनेज, यूरिया। इनको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज एक तरकीब बताऊंगा जिससे आप तुरंत इनको सभी ये कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है इनको याद कर पाएंगे। ये तरीका है, देखिए ये चक्र है, ये डिटेल में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, जिसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे ऑर्निथिन कहाँ काम आ रहा है, सिट्रुलिन कहाँ काम आता है, कार्बोमिल फॉस्फेट क्या कहाँ काम आता है, ये पूरा चक्र चलता रहता है जिससे कि यूरिया बनती है। तो इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है, ऑर्निथिन का ओलिया ऑरेंज, कार्बोमिल फॉस्फेट का सीलिया कलर्ड, सी कैट्स, एस्परेट का ऑलवेज, आर्जिनोसिस का आस्क, फ्यूमरेट का फोर, ये तरीका है मतलब याद करने का। So if you remember this way, just एक इमेजिन करें, ऑरेंज कलर्ड कैट ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेला, ऑरेंज कलर कैट ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेला, और ये सारे मॉलिक्यूल आपके, जैसे ओ तुरंत याद दिया, ऑरेंज कलर्ड कैट, ऑर्निथिन, कार्बोमिल, ये बच्चों ये याद करने के तरीके हैं। ये जब भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट, हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स जी। अब ये आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से फिल्ट्रेशन जो होता है अपने शरीर में, और किडनीज कैसे इसमें भाग लेती हैं। देखिए, दो किडनीज हैं जी, और ये किडनी के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जो कैसे होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ।
ये आपकी बुक का। हाँ जी हाँ, पूछिएगा। ये जो इससे पहले आपने डायग्राम दिखाया है, इसमें कुछ रेड ब्लू और स्किन कलर से कुछ वायर्स दिखाई गई हैं, तो क्या ये वेन्स हैं? ये जो स्ट्रक्चर मैंने ये दिखाई है ना यहाँ जी पर, ये देखिए मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूँ, जी और ये जो डिफरेंट कलरेशन के द्वारा दिखाई है, देखिए ये रेड जो है आर्टरीज हैं, ये ब्लू कलर की वेन्स हैं, अच्छा और ये आउटलाइन जो ब्लू शेडोज हैं, दीज आर द जी पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके सो दीज वायर्ड स्ट्रक्चर आर जी आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक ओके है तन्वी जी जी, थैंक जी बिल्कुल सर। यू। सो ये भी फिर इसको, ये अपनी बुक का ही डायग्राम है, 6.13 फिगर को बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। किडनीज हैं दोनों, लेफ्ट रीनल आर्टरी, क्योंकि किडनीज को आर्टरीज एंड वेन्स को दोनों की सप्लाई होती है, तो ये देखिए लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल वेन, एओर्टा, दिस इज एओर्टा, लेफ्ट यूरेटर, है ना, ये जो नली जो आ रही है सफेद जो दिखाई दे रही है, दिस इज ए यूरेटर, लेफ्ट जी यूरेटर। फिर इसके बाद में वेन का, ये वेना केवा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिथ्रा, जिससे कि हमको यूरिन को बाहर निकाल देना होता है। एक सिंपल डायग्राम आपकी बुक के अंदर दे रखा है, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ब्लड सप्लाई होती है किडनीज को, उसको रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है, ये आर्टरीज हैं, ये वेन है, तो इनको डेजिग्नेट किया हुआ है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ इस डायग्राम के द्वारा। देखिए ये दोनों किडनीज हैं, ये लाल रंग की तो आर्टरी दिखाई हुई है, दैट इज ए रीनल आर्टरी, और ये नीले रंग की रीनल वेन है। हमारे शरीर के अंदर जब रक्त होता है उसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, ये रीनल आर्टरी की इस तरह से सप्लाई किडनी को होती है, और यहाँ से फिर वापस छनकर ये आ जाता है, और ये जब आर्टरीज वेन को हम डाइसेक्ट करके हटा देते हैं तो किडनी कितनी क्लियर दिखाई देती है। ये यूरेटर है, ये किडनी है, किडनी के अंदर ये बहुत सारे बारीक यूरिनरी फेस्टिब्यूल्स होती है, जो मैं अगले चित्र में दिखाऊंगा आपको। तो किडनी को बहुत अच्छी तरह अन्य स्ट्रक्चर्स के साथ में देखिए समझने में बहुत, ये मैंने कोशिश की है, किडनीज हैं, किडनी से निकलने वाले यूरेटर है, यूरेटर ब्लैडर में जाता है, और अल्टीमेटली यूरिथ्रा में चले जाता है। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, लेफ्ट टू राइट ऐसे ड्रॉ करके, इसी तरह से जो ब्लड सप्लाई है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अभी देखिएगा ये नीले रंग की जो वेन है, लाल रंग की आर्टरीज हैं, इनकी ब्लड सप्लाई के द्वारा किडनी के अंदर जब ब्लड जाता है तो उसमें से यूरिया निकाल लिया जाता है, हानिकारक जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर करके यूरिन में चले जाते हैं, लेकिन लाभदायक चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है। सो दिस इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम माने किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, और ये डिटेल स्ट्रक्चर है किडनी की, जिसके अंदर ये बहुत सारे डिटेल्स इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है इसमें, नेफ्रोन, यानी कि वो यूनिट जो कि फिल्ट्रेशन करती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो यूनिट है जो फिल्ट्रेशन करती है, और ये अल्टीमेटली यूरिन निकल के आता है, ये बहुत बढ़िया एक चित्र है, देखो ये यूरिन निकल के और आता है, यहाँ से किडनी से फिल्ट्रेशन हुआ, यूरेटर के थ्रू आया, यूरिन आया, बाहर निकल के आ गया। वेरी नाइस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जी यहाँ देखिए कि ये फिल्ट्रेशन इन जगहों पर होता है, लाल लाल जो दिखाई दे रहे हैं ना, जी यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, और ये यहाँ पर लौट के फिल्टर्ड यूरिन आता है, और वो फिल्ट्रेशन करने वाली यूनिट बहुत बढ़िया दिखाई हुई है, इसको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं, इतना सा याद रखना चाहिए। फिर ये नलिका आती है, देखिए ये ब्लड सप्लाई होगी ग्लोमेरुलस के द्वारा, अब रीअब्सॉर्प्शन, जो ऐसे ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस इनको हमको रीअब्सॉर्ब करना है, अन्यथा हमारे ब्लड में से बहुत सारी चीज निकल जाएंगी, है ना, ये कितना बढ़िया चित्र दिखा रखा है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर ये ब्लड आया, इसके अंदर से, और ये हमारे इस ये पूरे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस होता है, और ओके ये बहुत बढ़िया चित्र है, जिसके अंदर आप खुद भी करके देख सकते हैं। एक छोटा सा फनल लें, और ये फनल लेने के बाद में इस फनल के अंदर देखो, आप ये करके देखे घर में, यहाँ एक छोटी सी फिल्टर लगा रखा है, सीव लगा रखा है, और ये पानी और ये कचरा जो है बाहर रह गया, है ना, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के द्वारा जो यूरिन इकट्ठा हुआ, ये इसको बहुत अच्छा मैंने करके दिखाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये अपन फिल्टर करते हैं ना, इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं, जी तो उनको निकालना जरूरी होता है,
अब आप पूछेंगे, कई बार ऐसा होता है लोगों की किडनीज खराब हो जाती है ना, आपने सबने सुना है किडनीज खराब हो जाती है, उनको डायलिसिस कराना होता है, यदि यूरिया नहीं निकाल पाए तो दिक्कत होती है। एक छोटी सी मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पेशेंट है और इसकी आर्टरी की सप्लाई इस छोटे से चैम्बर में आती है, डायलिसिस का चैम्बर होता है, और यहाँ पर यूरिया फिल्टर होकर इधर आ जाता है और यूजफुल सब्सटेंसेस वापस रिअब्जॉर्ब होने के बाद में वापस शरीर में चले जाता है। जिन लोगों के किडनीज में फेल्योर हो जाता है उनको ये डायलिसिस, इसको हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ऑल दी माइनर डिटेल्स हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। तन्वी जी, मैंने पूरी कोशिश की जी कैसे, ये देखिए छनके आ रहा है और हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारे लाइव प्रोसेसेस सारे काम करते रहते हैं लगातार, जी हम रेस्ट में भी होते हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं, बट ऑल दी लाइव प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन अवर बॉडी। जी इफ दीज लाइव प्रोसेसेस डू नॉट वर्क देन वी डोंट से दैट वी आर अलाइव। हम अलाइव जब भी हैं, जब भी हमारे देखे सारे लाइव प्रोसेस जो मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाया था, जी ये सारे लाइव प्रोसेस चलते रहने चाहिए। और इनके कोर्स के अंदर ये है कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, दीज आर ऑल लाइव प्रोसेसेस। इनकी जी डिटेल्स दे रखी हैं कि वंस दे टेक द फूड देन इट गोज टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, हियर इट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हेन देयर इज नीड ऑफ ऑक्सीजन देन वी गेट ऑक्सीजन थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट व्हेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड दीज प्रोडक्ट्स हैव टू बी रिमूव्ड थ्रू द किडनीज। ये दोनों किडनी दिखा रखी है बिल्कुल और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये दोनों यूरेटर्स हैं। तो ये लाइव प्रोसेस का इनका जो चैप्टर है, चैप्टर 6, उसके अंदर यही बताने की कोशिश की है कि हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारे सारे शरीर के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। देखिए, दिस इज अ सेल, जी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ऑल द बॉडी। हम मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज बच्चों को अपन डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं और ये चलते रहते हैं। कितनी खूबसूरती से नेचर ने हमें ये लाइव प्रोसेसेस दिए हैं। यदि ये लाइव प्रोसेसेस हमारे सेल्स के अंदर नहीं चल रहे होते जी तो आज हमारी स्थिति ये होती कि हम इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं कर पाते। तो ये जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। यदि कोई क्वेश्चंस आपके पास में आए हैं या जी तन्वी जी आप कोई क्वेश्चंस मेरे साथ में डिस्कस करना चाहते हैं तो यू आर जी मोस्ट वेलकम टू आस्क। बिल्कुल सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सर, एक सवाल है कि जैसे नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती हैं, पर अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक किडनी काम नहीं करती, तो क्या उसमें भी ये जो पूरा प्रोसेस है वो उतना ही स्मूथ रहता है या फिर कुछ उसमें चेंजेस आते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे यहाँ पर दो किडनीज होती हैं और कभी कभी क्या होता है कि एक किडनी या तो श्रिंक कर जाती है, कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं होता है, या तो श्रिंक कर जाती है, कार्य नहीं करती है, उस समय पर दूसरी किडनी उसके कार्य को ले लेती है, करती है, अच्छी तरह काम करती रहती है। एंड आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, मैंने एक बार जर्मनी के अंदर अपना चेकअप कराया था तो क्रिएटिनिन नाम का सब्सटेंस थोड़ा बढ़ गया था, तो मैंने जब चेकअप कराया उन्होंने कहा कि दोनों में से एक किडनी जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, दूसरी सी थोड़ी सी श्रिंक है, लेकिन आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, मैं आपके सामने एक जीवंत उदाहरण हूँ, आई एम इन ए वेरी हेल्दी कंडीशन, दैट वेन एवर बोथ दी किडनीज आर फंक्शनिंग इट इज परफेक्टली ऑल राइट, बट इफ स्लाइटली लेस फंक्शन इज देयर इन वन ऑफ द किडनीज तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरी किडनी अच्छी तरह काम करती है। एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, बर्ड्स में आप देखिए, बर्ड्स के अंदर एक ओवरी एक किडनी, वहां पर उनको उड़ने के लिए, फ्लाइट अडॉप्शन के लिए, अडेप्टेशन के लिए नेचर ने एक ही चीज दी है, तो जी हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, पर मुझे लगता है बर्ड्स के पास जो दो विंग्स होते हैं वो उनकी जान होती है, और क्योंकि वो एग्जैक्टली उड़ने वाले हैं तो उनके दो विंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और एक किडनी उन्हें उनके सिस्टम को ठीक रखती है। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में जो ब्लैडर है, ब्लैडर का साइज दोनों में बराबर होता है या इसमें कोई अंतर होता है?
नहीं बराबर होता है। बराबर इसमें सिर्फ ये होता है कि जी। जो पैसेज ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फीमेल के अंदर जो वजाइना के थ्रू होता है, और एक वजाइना के अंदर ही एक अपर्चर होता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। मेल के अंदर थ्रू पेनिस इट कम्स आउट, बट द ब्लैडर इज नियरली सेम। और लगभग 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, परंतु हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही बाहर निकाल पाते हैं पर डे। हमें खूब पानी पीना चाहिए। देखिए, कुछ मैसेज ये भी हैं इस सिस्टम को समझने के साथ में, हमें पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो समुचित रूप से निकल जाए। कई बार लोग कम पानी पीते हैं या उसके अंदर कई बार यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यूरिया का पूरा निकलना नहीं होता है। सो वील हैव टू टेक केयर एंड वील हैव टू पे अटेंशन कि हम अपने हैबिट्स में, लाइफस्टाइल के अंदर ये ध्यान रखें कि ऐसी ऊटपटांग चीज ना खाएं जिससे कि बहुत ज्यादा किडनीज पर लोड पड़े। लोड ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कई बार जंक फूड्स वगैरह के थ्रू जो है, देखिए, हमने कुछ भी खा लिया, जीभ को आनंद आया, पेट को आनंद आया, मन को आनंद आया, परंतु हमारे सारे सिस्टम जो एकदम से तिलमिल आ जाते हैं। ये मैं आपको जो सबसे पहले जो ये चित्र दिखाना कोशिश की ना, ये कितने प्रोसेस एकदम से तिलमिल आ जाते हैं सारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या कर दिया शर्मा जी, आपने क्या खा लिया, तनवी जी आपने क्या कर लिया, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। वी हैव टू पे अटेंशन। हम ये मानकर चलना चाहिए कि इन लाइफ प्रोसेसेस को चलते रहने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी रखनी चाहिए। बहुत सारी ऊटपटांग चीजें नहीं खानी चाहिए, प्योर एयर लेनी चाहिए, पोल्यूटेड एयर में नहीं रहना चाहिए। हमारे लाइफ प्रोसेसेस बहुत अच्छे चलते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सिर्फ टंग को और मन को ही सेटिस्फाई नहीं करना है हमें। जो हमारे अंदर सेल्स हैं, न्यूक्लियस है, हमारे वेन्स, आर्टरीज, ब्लड, हर चीज़। सेल्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सेल्स को यदि आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, मॉलिक्यूल को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ये आपको रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं और उसके बाद में दिक्कतें आती हैं। देखिए, जी आपने भी कहीं सुना होगा कि बहुत सारी जगह पर लोग बाग 100 ईयर्स तक, 110 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक बहुत अच्छी तरह रहते हैं, जी बिकॉज दे हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। वो दे पे अटेंशन, दे पे रिस्पेक्ट टू ईच मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी, दे पे अटेंशन टू ईच ऑर्गेनल इन आवर बॉडी, टू ईच सेल इन आवर बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और ये जो लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, उसे इतने खूबसूरती से एक्सप्लेन करने के लिए और बच्चों को पूरी तरह से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नमस्ते धनवी जी, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये जो लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन का वो समझ आ गया होगा, और किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, देखते रहिए ई विद्या चैनल्स। और थोड़ी देर में लेकर हाजिर होते हैं एक सोशल साइंस का प्रोग्राम जहाँ डिस्कस होगा पॉवर्टी पार्ट 2, तो देखते रहिए। और साथ ही साथ जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे दैट वी एक्सट्रीमली प्राउड दैट इंडिया अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say the world is one family. इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। थोड़ी देर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, नमस्कार।